रोहित की दीदी समीक्षा की शादी अर्पित से हुई थी। रोहित 20 साल का था जो कि अपना पूरा दिन मोबाइल पर ही निकालता था। कभी पबजी खेलता तो कभी यूट्यूब चलाता। एक दिन अर्पित और समीक्षा के मम्मी पापा से मिलने आते हैं और देखते हैं कि रोहित मोबाइल से हटने को तैयार ही नहीं है। अरे रोहित, तुम्हारी तो IIT की परीक्षा है ना, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो परीक्षा की? वो सब तो मोबाइल पर ही हो जाएगा। ये देखिए, ये है गूगल, इससे जो भी पूछो वो सब बता देता है, तो आखिर कागज क्यों बर्बाद करूं? अरे पर तुम इन प्रश्नों की तैयारी बिना लिखोगे कैसे? उसमें क्या है, ये देखिए नोटपैड बिल्कुल कॉपी जैसा है, इसी पर कर लूंगा। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हम दोस्त मिलकर प्रश्न हल किया करते थे, उससे हमारी हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी और समय का भी अंदाजा लग जाता था। और फिर साथ में हम एक दूसरे की मदद भी कर देते थे अगर कोई अटक जाए तो। आपका जमाना अलग था जीजा जी, अभी जमाना फास्ट और स्मार्ट हो गया है। जमाना क्या, अब तो फोन भी स्मार्ट हो गया है, समय के साथ बदलना पड़ता है जीजा जी। अब बस भी कीजिए आप, हर चीज को लेक्चर में बदल देते हैं। रोहित अच्छा कर लेता है परीक्षा में। इतने में अर्पित के सास ससुर जी आ जाते हैं हॉल में और अर्पित इस बारे में बात नहीं करता। हालांकि अर्पित को लगता तो है कि पूरी तरह मोबाइल पर लगे रहना सही नहीं है, पर वो इस बात को और नहीं छेड़ता। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। समीक्षा, मुझे काम से फोन आया था, मुझे वापस काम पर लौटना पड़ेगा। पर हमें आए हुए तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी चले गए तो माँ और पापा को अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं काम खत्म करके फिर लौट आऊंगा। एक काम कीजिए ना, परसों रोहित भी परीक्षा के लिए निकलेगा, आप उसी के साथ निकल जाना। दोनों वैसे भी बात नहीं करते, साथ में जाएंगे तो हो सकता है आप लोग आपस में बातचीत भी करने लग जाओ। ठीक है, मैं काम को 2 दिन टाल सकता हूँ। उसी रात जब सब खाना खाने बैठे थे तो अर्पित अपने जाने की खबर बाकी लोगों को बताता है। मुझे काम के लिए वापस जाना होगा। अरे बेटा, पर अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी चले जाओगे? नहीं माँ जी, समीक्षा यही रहेगी और मैं जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है, काम भी जरूरी है, वैसे कब निकलोगे बेटा? 2 दिन में, मैंने सुना है कि उस दिन रोहित को भी परीक्षा के लिए जाना है, तो कल मैं दोनों की टिकट करा लेता हूँ बुक। मेरी टिकट रहने दीजिए जीजा जी, मैं तो फोन से ही करवा लूंगा। हाँ पर कोई दिक्कत हो गई तो? अरे कोई दिक्कत नहीं होती जीजा जी, फोन सब कर सकता है। हमारे फोन के रिचार्ज से लेकर टीवी का रिचार्ज सब रोहित यही फोन से बैठे बैठे कर देता है। अब ये नई चीज तो हमारे समझ के परे है, पर अच्छा है कि रोहित जानता है, हमारी मेहनत इतनी कम हो गई भाई। हाँ पर अगर टिकट नहीं मिली तो? अर्पित की बात पूरी होने से पहले ही बिजली चली जाती है। अरे ये क्या हो गया, आपने बिजली का बिल भर तो दिया था ना? अरे नहीं, मैं तो भूल गया था। अरे टेंशन मत लो माँ, देखा जीजा जी, आप बिजली का बिल भी भर सकते हो, समय बदल गया है। एक बार फिर अर्पित इस बात पर बहस नहीं करता। अगले दिन जाकर अपनी टिकट करवाता है और पैकिंग कर रहा होता है जब शाम को अचानक से रोहित के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं प्लीज प्लीज हो जा, ऐसा मत कर यार, प्लीज हो जा। अरे क्या हो गया रोहित? दीदी सर्वर हैंग हो गया, मेरी टिकट नहीं हो पाई दीदी। क्या मतलब टिकट नहीं हो पाई? इतने में वहाँ रोहित के मम्मी और पापा भी आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? माँ मेरा टिकट नहीं हो पाया, सर्वर डाउन हो गया। अरे पर तूने तो बोला था कि हो जाएगा। हो जाता है पर अब क्या करूँ, ये क्या हो गया? अब कल की तो कोई बस भी नहीं है, ना ही अब टिकट मिलेगी ट्रेन की कल के लिए, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब फिर लगता है मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। घर पर एकदम से दुख का माहौल छा जाता है
और सब रोहित को डांटते हैं, पर इतने में अर्पित वहां आ जाता है। आप सब रोहित को क्यों डांट रहे हैं? आपने ही तो उसे बढ़ावा दिया था ना। लेकिन इसकी लापरवाही के कारण इसकी परीक्षा छूट जाएगी। इसने तो हमसे कहा था कि टिकट हो जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने एक एक्स्ट्रा टिकट करवा ली थी। मैं समझता हूँ कि मोबाइल हमारा ही काम आसान करने के लिए है, पर उस पर ही पूरी तरह से निर्भर होना तो गलत बात है ना। रोहित टिकट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जोर से जाकर अपनी जीजाजी के गले लग जाता है। सॉरी जीजाजी, मुझे आपकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, पर थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, तुमने तो इसका भविष्य बचा लिया। शिक्षा: दूसरों से मदद मांगना गलत नहीं, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत है।